हेलो दोस्त, आप सबका पुनः एक कंप्यूटर अगेन में स्वागत है। आज हम लोग पुनः लाए हैं नंबर्स यानी चैप्टर टू, प्राकृतिक संख्या के वर्ग निकालना यानी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो वैसी संख्या जो वर्ग के रूप में हो उसे प्राकृतिक वर्ग कह सकते हैं। तो इसका योगफल क्या होता है, तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है योगफल के लिए। और औसत इसका निकालना है तो एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है। जैसे क्वेश्चन दिया मेरा है कि वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर डी टू प्लस टेन का स्क्वायर बराबर वाट। दूसरा हमें क्वेश्चन दिया है, प्रथम छह प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो इसको हम लोग कैसे निकालें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग जो पढ़ चुके हैं एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो मेरा एन कितना हो जाएगा, टोटल पद कितना मेरा है तो टेन है, तो टेन हुआ और एन में दस प्लस वन कर लेंगे इंटू टू इंटू टेन प्लस वन कर लेंगे बाई सिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या हम लोग, तो टेन इंटू टेन में वन हुआ तो कितना एलेवन हुआ, एलेवन इंटू टू में टेन से गुणा करें ट्वेंटी प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स हो जाएगा। यानी टोटल मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टेन में एलेवन से गुणा करेंगे तो एक सौ दस हो जाएगा, इंटू बीस में एक जोड़ेंगे तो इक्कीस हो जाएगा और बट्टा छः हो जाएगा। और इसको हम क्या करें, काट लेगा तीन के पार से काट लेते हैं, तो तीन सत्तर इक्कीस होता है और तीन दूना छः होता है, और ये भी काट लेते हैं दो से पचपन बार में कटेगा। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पचपन में सात से गुना करेंगे तो सात पचास पैंतीस हुआ, हाथ में तीन हुआ, सात पचास पैंतीस तीन अड़तीस हुआ। इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, प्रथम छः प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मूला, यानी ऊपर दिया हुआ था औसत के लिए। तो भाई अब क्या करेंगे, हम सिक्स दिया तो एन मेरा सिक्स हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, और टू इंटू सिक्स एन मेरा कितना सिक्स है और प्लस वन कर लेंगे डिवाइडेड बाई सिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सिक्स प्लस वन कितना सेवन हुआ इंटू ट्वेल्व और प्लस वन कितना थर्टीन हुआ, थर्टीन बाई सिक्स। यानी कि मैं इसको मल्टीप्लाई करके इतना इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर काटना हो तो इसको हम काट भी सकते हैं, ये तो अगर पूर्णांक दिया हो तो इसे भी निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्राकृतिक संख्याओं के घन यानी क्यू ऑफ नेचर नेचुरल नंबर्स, वैसी संख्या जो घन के रूप में होती है उसे प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या के घन कहते हैं। इसे योगफल उसका दिया गया, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और टोटल का स्क्वायर होता है। औसत निकालना है तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इसका स्क्वायर ओनली होता है। अब जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक का क्यू प्लस तीन दो का क्यू प्लस तीन का क्यू प्लस डी टू डी से लेकर आठ का क्यू हमको निकालना है, तो इसके लिए हम क्या का फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस वन टोटल बाई टू है और इस सब का हम क्या करना है स्क्वायर कर लेना है। तो कहाँ से हमको लिखना है, तो एन मेरा कितना है टोटल एट है, तो एट इंटू एट प्लस वन का टोटल का बाई टू हो जाएगा और टोटल क्या मेरा निकालना है तो स्क्वायर निकालना है। सो एट इंटू एट प्लस वन नाइन बाई टू टोटल का स्क्वायर कर लेंगे, यानी ये दो से काट सकते हैं तो कितना मेरा जाएगा जो छत्तीस का स्क्वायर। तो हम लोग छत्तीस का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले सीख चुके हैं कि पचास से नीचे जो भी कोई स्क्वायर निकालना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेंगे पचास से कितना कम है तो चौदह कम है, चौदह का स्क्वायर क्या होता है एक सौ छियानवे होता है, एक सौ छियानवे का छानवे लिखेंगे हाथ में हो गया, और पचास से कितना कम है चौदह कम है, जितना कम है उसको पच्चीस में घटा लेते हैं, यानी चौदह को पच्चीस में से घटा लेंगे तो हमारा कितना ग्यारह जाएगा, और एक सौ छियानवे में जो एक हासिल आया था वो मिला कितना मेरा हो जाएगा तब बारह हो जाएगा। इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं पचास से कम का स्क्वायर निकालेंगे तो मेरा शॉर्ट का वीडियो इस वीडियो में डाले हुए हैं, जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन जैसे दिया है, एक का क्यू दो का क्यू तीन का क्यू से लेकर दस का क्यू का औसत निकालना है, तो औसत के लिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, औसत के लिए फॉर्मूला पढ़ चुके हैं एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर। तो सो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर निकालना है, तो एन मेरा कितना होगा टोटल टेन है। अब टेन में क्या करेंगे, एन टेन प्लस वन का बाई टू है का स्क्वायर है। सो टेन ये कितना मेरा हो जाएगा, टेन इंटू कर देंगे तो यहाँ पे टेन और एलेवन हो जाएगा, एलेवन का स्क्वायर करेंगे। सो टेन इंटू एलेवन का एक सौ इक्कीस हो जाएगा स्क्वायर और चार इसका हो जाएगा, इसको काट लेंगे पाँच बार में। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पाँच दस का जीरो पाँच एक छः, इस प्रकार इसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी काट भी सकते हैं, तो तीन जीरो दो पॉइंट पाँच बार में इसको काट सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।